बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन एंड सेव एट होम। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 19 ऑफ साइंस विच इज़ फ्रॉम पेज वर्कबुक पेज नंबर 50। तो स्टूडेंट्स ओपन, व्हेन यू विल ओपन वर्कबुक पेज नंबर 50, यू विल सी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। यानी आप लोगों ने जो हैं वो फर्स्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQs का है, जो आपने MCQs सॉल्व करने हैं। आपको बोर्ड पे वो MCQs लिखे हुए लिखे नज़र आ रहे होंगे जो हमने सॉल्व करने हैं इस पेज पे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्क। जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ऑफ द फाइव किंगडम। यानी कि ये इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो फाइव किंगडम के अंदर नहीं आती। हमने जब इस चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस किया था तो हमने फाइव किंगडम को भी डिस्कस किया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर दिया गया है, जिसमें था प्रोटोक्टिस्ट, प्रोक्रियोट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा जी, अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें, एनिमल्स ए ऑप्शन पे, बी पे प्लांट, सी पे प्रोक्रियोट्स, डी पे इंसेक्ट्स। तो जी, अब इसके अंदर प्रोक्रियोट्स भी मौजूद हैं, प्लांट्स भी मौजूद हैं, एनिमल भी मौजूद हैं, और डी ऑप्शन में क्या आता है, इंसेक्ट। और अगर हम फाइव किंगडम को अभी थोड़ी देर पहले हम रिवाइज आपको करवाया कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, उसमें इंसेक्ट का जिक्र नहीं था। तो हमारी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इंसेक्ट। नंबर टू, वट डू वर्टिब्रेट हैव दैट इनवर्टिब्रेट डोंट। अब देखिएगा कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की मैनी टाइम्स हमने जब ये लेक्चर्स को डिस्कस किया था तो हमने उसमें वर्टिब्रेट्स को और इनवर्टिब्रेट्स को मैनी टाइम डिस्कस किया था कि वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और इनवर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि बगैर बोन्स या बैक बोन के होते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ज़रा ऑप्शंस को भी देख लें, ए बॉडी, बी आईज, सी बैकबोन, डी लेग्स। यानी अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का डिफरेंस किस बेस की वजह से है, वो था आंसर हमारे पास बैकबोन। नंबर थ्री है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ऑप्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए ब्लूबर्ड, बी बैट, सी स्पाइडर, डी कॉकरोच। यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसेक्ट कौन सा है। जी, इंसेक्ट कौन सा है, हमने जब ये लेक्चर्स को डिस्कस किया था तो हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोगों के मुताबिक स्पाइडर को भी इंसेक्ट ही कंसीडर किया जाता है, जबकि असल में स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि स्पाइडर के जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो इंसेक्ट के क्राइटेरिया पर, जो इंसेक्ट के लिए क्राइटेरिया ज़रूरी है कि इसके अंदर पेयर ऑफ लेग्स होती हैं तीन या तीन से ज़्यादा, जबकि इंसेक्ट के अंदर जो है वो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से स्पाइडर को कंसीडर नहीं करते कि ये इंसेक्ट है। तो ये ब्लू बर्ड तो ऑब्वियसली ये बर्ड के अंदर ही होगा, ये बैट मैमल है, स्पाइडर को भी हम अगर दोनों से प्रॉब्लम हो सकता था तो वो हमारे इन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता था, जबकि मैंने आपको इसका डिफरेंस क्लैरिफाई कर दिया है कि स्पाइडर को हम क्यों इंसेक्ट नहीं कहते। तो राइट आंसर होगा हमारे पास डी, दैट इज कॉकरोच। नंबर फोर, विच ऑफ दीज इज एन इंसेक्ट। हाँ जी, फोर्थ ही हमारे पास स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज डू इंसेक्ट हैव, में हमने देखना है कि इंसेक्ट के अंदर ये जो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें से क्या चीज़ इंसेक्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ए सिक्स लेग्स एंड हार्ड कवरिंग, बी टू फीलर्स और एंटीना, सी थ्री पेयर्स ऑफ देयर बोन्स, सॉरी थ्री पार्ट्स ऑफ देयर बोन टू देयर बॉडीज, डी ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, अगर हम इंसेक्ट वाले लेक्चर को रिकॉल करें जिसमें हमने इंसेक्ट का जिक्र किया था इन डिटेल, बहुत उन लेक्चर्स में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई गई थी, जिसमें देखा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उस थोड़े से लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें सिक्स लेग्स भी थी और जो इंसेक्ट की बॉडी पे जो कवरिंग थी वो भी हार्ड थी, और इंसेक्ट के जो हेड रीजन पे
टू फीलर्स और एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा उनकी जो बॉडी होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. और अगर फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखें तो इसका मतलब है जो सारे जो ऑप्शंस हैं ये इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है हमारे पास फाइव स्टेटमेंट. व्हाट डू वी कॉल इंसेक्ट विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स. अब हमने उस इंसेक्ट को क्या कहते हैं जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है. ऑप्शंस में उसकी अगर हम देखें तो उसको कहते हैं नेस्टी, बी पैरासाइट्स, सी सोशल और डी पेस्ट. यानी ऐसे इंसेक्ट जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल हों या उनको डिस्ट्रॉय करें उनको हम कहते हैं पेस्ट. तो राइट आंसर होगा पेस्ट. उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये आपको जो इस पेज पे एमसीक्यूज करवाए हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको करवाते हुए आपको वो जो लेक्चर के दौरान जो बात डिस्कस की थी उसको भी रिकॉल करवाया है. अभी हम इसी पेज पे आगे चलें तो हमें एक बॉक्स नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है इसके अमेजिंग फैक्ट्स. अब मैं इसकी रीडिंग करने लगी हूँ. Fish are not able to close their eyes because they have no eyelids. Fish sleep with their eyes open when they sleep. They may rest on sea floor or under a rock or just float in water. हमने प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान फिशेस के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने उनके जो थे वो फिज़िकल फीचर और उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह को डिस्कस किया था. इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये बताया हुआ है कि जो फ़िश है वो अपनी आईज़ को क्लोज़ नहीं कर सकती. अगर आपने कभी अपनी रियल लाइफ में भी ये देखा होगा तो फ़िश की आँखें जो हैं वो सोते हुए भी बंद नहीं होती. रीज़न उसकी क्या है कि फ़िशेस के अंदर आईलिड्स प्रेजेंट नहीं होते, और आईलिड के ना होने की वजह से उसके अंदर ये आप कह लें कि अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपनी आईज़ को क्लोज़ करे. हत्ता के सोते हुए भी उसकी आईज़ जो होती हैं वो ओपन ही होती हैं. जब फ़िशेस ने रेस्ट करना होता है तो उस दौरान वो सी फ्लोर के पास चली जाती हैं, और फिर क्या होता है या वो पानी के अंदर सिंपली जो है वो तैरना शुरू कर देती हैं या किसी रॉक के पास जाके स्टे कर लेती हैं. तो इसका मतलब ये है कि फ़िश जो है वो उस टाइम जो है वो रेस्ट कर रही है. जी नेक्स्ट अगर हम देखें इसी पेज पे तो है प्लेटिपस एंड एकाइनेट्स. एकाइनेट्स को कहते हैं स्पाइनी एंड एंटर आर स्पेशल. दे आर मैमल्स दैट दे ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग अलाइव. ठीक है जी. अब ये दो इंडिविजुअल जिसमें प्लेटिपस और एकाइनेट्स यानी स्पाइनी एंड एंटर को जिक्र किया है. अब ये स्पाइनी एंड एंटर जो है ये जो है रूटीन लाइफ में अगर आपने नहीं देखा तो इसकी डॉक्यूमेंट्री इस एनिमल के ऊपर मौजूद हैं. आप जो हैं वो इसको इंफॉर्मेशन के लिए आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं. इसकी बॉडी जो होती है स्पाइनी एंड एंटर की वो कवर होती है उसके साथ कांटों के साथ. इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं. अच्छा अब ये प्लेटिपस और स्पाइनी एंड एंटर दोनों ही मैमल है. मैमल को अगर हम जो है वो उसके करैक्टर्स को अगर हम रिकॉल करें तो करैक्टर उसके ये थे कि उनकी बॉडी हेवी होती है और उनके अंदर जो होते हैं वो दे गिव बर्थ ऑफ देयर यंग वंस. और इसके अलावा क्या होता है ये आपने जो है वो जब हम करैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे मैमल के तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था. अब ये दोनों इंडिविजुअल ही मैमल कंसीडर होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये इनके अंदर जो फर्दर आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और ये कि अपनी जो है वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इनके ये एग ले करते हैं और फिर इनके इनके जैसे जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. ये जो हैं इनके अंदर करैक्टर नहीं है कि ये बर्थ हो इनके अंदर. अगर हम इंडिविजुअली इनके देखें करैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो वो है प्लेटिपस हैज़ अ माउथ एंड फीट लाइक अ डक. इट हंट्स फॉर फूड अंडर वाटर. अच्छा जी प्लेटिपस का ये करैक्टर है कि जो इसके अंदर डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम आप जो हैं वो देख सकते हैं कि प्लेटिपस का ऐसा करैक्टर है कि इसका जो फेस है इसका जो माउथ है वो डक की तरह का है और इसके जो फीट हैं वो भी बिल्कुल डक लाइक हैं. और ये क्या करता है ये पानी के अंदर डक की तरह स्विम करके जाता है और फिर वहाँ से अपना जो है वो शिकार जो है वो हासिल करता है.
अगर स्पाइनी एनेटर की जिक्र करें तो इसकी बॉडी जो से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कांटों से भरी हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और इसके जो हेयर्स होते हैं शार्प होते हैं। अब इसकी जो इसका जो फूड है वो इसने क्या करना होता है, इसने इट ईट्स एंट्स एंड अदर इंसेक्ट, यानी कि इसका फूड ये है कि इसने कीड़ों को और चूंटियों वगैरह को खाना होता है। स्टूडेंट्स ये हम कर चुके हैं पेज नंबर 50 में आपने क्या किया MCQ से, और थोड़ी सी हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो उसको डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं वर्कबुक के पेज नंबर 51 पे। वर्कबुक का जब आप 51 पेज ओपन करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नज़र आएगी वो है साइंटिस्ट प्लेस थिंग्स इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स एंड फॉर एग्जांपल। अच्छा जी यहाँ पे मैंने वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा और इनके डिफरेंट करेक्टर्स को डिस्कस किया वो मैंने आपके सामने टेबल बनाया हुआ है। एक दफ़ा हम ज़रा इनकी रीडिंग कर लेते हैं। नेम ऑफ एनिमल में फर्स्ट से पहले आता है क्लॉन फिश। अच्छा जी फर्स्ट है जी नेम ऑफ एनिमल्स, दूसरा है इज इट फिश, इज इट वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, वेयर डज इट लिव एंड कैन इट स्विम। फर्स्ट अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें तो फर्स्ट है जी हमारे पास क्लॉन फिश। अच्छा जी अब हमने देखना है कि ये फिश है या नहीं है, ये फिश है और ये इनवर्टिब्रेट है या नहीं, ये वर्टिब्रेट है और ये इसका जो है वो लिव ये पानी के अंदर रहती है और ये इट कैन स्विम। सेकेंड ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो है ग्रेट वाइट शार्क और ये भी फिश है, वर्टिब्रेट है, इट लिव इन वाटर और इट कैन स्विम। नंबर थ्री स्टारफिश। स्टारफिश इज नॉट अ फिश, यानी कि ये फिश नहीं है, इट इज़ एन इनवर्टिब्रेट, लिव आल्सो लिव इन वाटर और इट कैन नॉट स्विम। सी हॉर्स, सी हॉर्स आल्सो अ फिश, वर्टिब्रेट, लिव इन वाटर और इट कैन स्विम। सील, सील इज नॉट अ फिश, सील जो है वो फिश नहीं है, ये मैमल है और इट इज़ वर्टिब्रेट ऑल्सो और ये पानी और खुश्की यानी लिव इन वाटर और लैंड दोनों पे रह सकती है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो स्विम। क्लीनर श्रिम्प, इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ इनवर्टिब्रेट, लिव इन वाटर और इट कैन स्विम। तो ये वाला कॉलम जो है वो हमने रीड आउट कर लिया है। अब इस कॉलम को देखते हुए कुछ जो है वो आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो था कॉलम के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी हमने वो जो है डिस्कस कर ली और मैंने आपको उसकी रीडिंग भी बता दी। अब हम उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लेबल ईच सर्कल टू शो द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। अब ये देखिए मेरे पास मैंने इस तरह ये दो जो सर्कल हैं उसके अंदर इस वाले कॉलम के अंदर से उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉर्ट आउट करके लिखे हुए और हमने अब ये बताना है कि ये ऑर्गेनिज्म जो इस कॉलम इस सर्कल में और इस सर्कल में ये वर्टिब्रेट हैं या ये इनवर्टिब्रेट हैं। अगर हम फर्स्ट सर्कल की तरफ चलें तो फर्स्ट सर्कल में होता है हमारे पास स्टारफिश एंड क्लीनर श्रिम्प। तो यहाँ पे हम अपने कॉलम्स में से देखते हैं स्टारफिश, स्टारफिश क्या है इनवर्टिब्रेट। दूसरा हमारे पास है क्लीनर श्रिम्प, तो इस कॉलम में से हम देखते हैं तो ये भी क्लीनर श्रिम्प इज ऑल्सो इनवर्टिब्रेट, तो हम इसके नीचे लिख देंगे इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल में आता है ग्रेट वाइट शार्क, सी टर्टल, सी हॉर्स एंड क्लॉन फिश। अब हमने ये देखना है फर्स्ट ले ग्रेट वाइट शार्क वर्टिब्रेट, सेकंड सी टर्टल एंड सी हॉर्स। सी टर्टल इस कॉलम में मौजूद नहीं है, सी हॉर्स देखें, सी हॉर्स इज जो है वो वर्टिब्रेट एंड देन क्लॉन फिश, क्लॉन फिश इज़ ऑल्सो वर्टिब्रेट। तो इसका मतलब ये है हमारे सेकेंड सर्कल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट आर वर्टिब्रेट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो सॉल्व कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स अब हम इसी जो है वो पेज पे इसी कॉलम को देखते हुए क्वेश्चन नंबर जो यानी पार्ट नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है पुट द एनिमल फ्रॉम द टेबल अबव इन द करल डायग्राम
बिलो, यानी कि आपने इस टेबल में से ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करना है और ये डायग्राम आपने इसको कंप्लीट करना है, जिसमें उन्होंने जो हमारे पास जो चीज़ें पूछी हैं कि हमने इसमें से लेना है वर्टिब्रेट लेना है और इनवर्टिब्रेट लेना है, और हमने साथ में ये भी बताना है कि वर्टिब्रेट है तो वो क्या फ़िश है और जो और वही और कौन सा वर्टिब्रेट जो है वो फ़िश नहीं है। सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं इसमें से कौन सा जानवर जो है वो हम लेंगे। फर्स्टली वर्टिब्रेट आपने लेना है तो आपकी चॉइस है, आप उसमें से देख लें आप क्लॉन फिश लेना चाहें या वाइट ग्रेट वाइट शार्क। तो फिश में सबसे पहले मैं लिख रही हूँ जो वर्टिब्रेट भी है वो है क्लॉन फिश। इट्स योर चॉइस, आप क्लोन फिश लिख लें या आप लिख लें इसके साथ ग्रेट वाइट शार्क। नंबर नेक्स्ट है जी नोट अ फिश, यानी हमने वर्टिब्रेट ही लेना है और वो फिश ना हो, तो वर्टिब्रेट में हो और फिश ना हो। हम इस कॉलम को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो सील है, सील क्या है वो वर्टिब्रेट है और फिश नहीं है, तो नोट अ फिश में हम लिखेंगे सील। नेक्स्ट है नोट अ वर्टिब्रेट, यानी कि वो वर्टिब्रेट क्या है वो ना हो और फिश हो। इसमें हम क्या वर्टिब्रेट ना हो और फिश हो तो क्या होगा उसके अंदर, वर्टिब्रेट ना हो और फिश, हम जो है वो देखें कौन सा ऐसा कॉलम इसके अंदर से देखते हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है। सबसे पहले तो हम वो इनवर्टिब्रेट ढूंढते हैं ना इसके अंदर कौन से हैं, तो इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले आता है हमारे पास क्लीनर श्रिम्प, और इनवर्टिब्रेट इस कॉलम के अंदर फ़िश कोई भी नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे वो फ़िश वाला तो इसके अंदर कोई भी कॉलम नहीं आ रहा तो हम उसको ब्लैंक रहने देते हैं। दूसरे में आपने क्या करना है नॉट आ फिश, नॉट आ फिश में आप लिख सकते हैं दो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, या तो आप क्लीनर श्रिम्प लिख दें या आप लिख दें स्टार फिश। तो ये था हमारा आज का ये वाला पेज जिसको हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ऑर्गेनिज़म्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। जी अब हम आते हैं पेज नंबर 52 पे, 52 पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द करल डायग्राम यूजिंग द डिफरेंट सॉर्टिंग क्राइटेरिया फॉर द एनिमल्स इन क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन का टेबल हमने ड्रॉ किया हुआ था, हमने उसमें से ऑर्गेनिज्म्स को पिक करना है और हमने बताना ये है कि वो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, इसके अलावा कि वो जो है वो रहता कहाँ है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो मैं यहाँ पर पिक करने लगी हूँ फर्स्ट उस करल डायग्राम के लिए दैट इज़ स्टार फिश। जी जैसे कि हमने फर्स्ट टेबल पे क्वेश्चन नंबर वन के टेबल पे डिस्कस किया कि स्टार फिश इज नॉट आ एक्चुअल फिश और बट नॉट आ एक्चुअल फिश और इट इज़ इनवर्टिब्रेट। स्टार फिश जो है वो फिश नहीं है और ये क्या है ये इनवर्टिब्रेट है, लिव इन वाटर। ठीक है जी, सेकेंड ऑर्गेनिज्म जो मैं सिलेक्ट करूंगी इसके लिए जो मैंने किया है दैट इज सी हॉर्स। इट इज वर्टिब्रेट सी हॉर्स आल्सो लिव इन वाटर। थर्ड ऑर्गेनिज्म है इस डायग्राम के लिए क्लीनर श्रिम्प, मैंने जो सिलेक्ट किया है आपकी मर्जी है कि आप बॉक्स जो है वो क्वेश्चन नंबर वन के बॉक्स में से कोई से तीन ऑर्गेनिजम्स कौन से सिलेक्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म आप सिलेक्ट करेंगे वैसे ही उस कॉलम से आप देख लीजिएगा कि वर्टिब्रेट हैं इनवर्टिब्रेट हैं या वो रहते किधर हैं। तो हम थर्ड वाला जो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं वह क्लीनर श्रिम्प। इट इज एन इनवर्टिब्रेट इट इज ऑल्सो लिव इन
वाटर. रिपीट कर रही हूँ एक दफ़ा फिर. स्टारफिश हमने उसमें से करेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया था. स्टारफिश इज इनवर्टिब्रेट, लिव इन वाटर. सी हॉर्स है, सी हॉर्स वर्टिब्रेट है, लिव इन वाटर. थर्ड है क्लीनर श्रिम्प, इनवर्टिब्रेट है और लिव इन वाटर. ये था हमारा जो है वो इस पेज नंबर 52 का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया. इसके बाद इसी पेज पे है एक्टिविटी, मेक अ डिस्प्ले ऑफ फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट विद एग्जांपल एंड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ग्रुप. इसका हमने जब ये लेक्चर्स के दौरान हमने डिस्कस किया था तो हमने जो है वो फाइव ग्रुप्स जो थे वर्टिब्रेट्स के वो हमने जो है वो इन डिटेल डिस्कस किए थे, जिसमें फ़िश था, एम्फीबियन, उसके अलावा मैमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे जो हैं हमने फाइव ग्रुप्स वर्टिब्रेट को डिस्कस किया था. उनके मेजर करेक्टर्स को भी डिस्कस किया था कि उनके अंदर ब्रीडिंग कैसे होती है, वो कोल्ड ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड हैं, या फिर उसके अलावा वो रहते किधर हैं, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. ये सारी की सारी चीज़ें हमने उसके अंदर इन डिटेल डिस्कस की थी. तो मेरा ख्याल है कि ये वाली एक्टिविटी जो है आप लोग जो है वो आसानी से खुद अब सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो वर्कबुक के पेज नंबर 50 से 52 को डिस्कस किया है और उम्मीद है कि और इन डिटेल हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है. उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ें आज करवाई गई हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी और आप जो है वो अब आसानी से इस शीट को सॉल्व कर सकते हैं. फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़.